खतरनाक बादल लग रहे हैं। भूल के ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये बोले घाट एरिया पड़ा पीछे, वहां पे तो मेरी हवाई संट हो गई। सबसे फास्ट जर्नी है ये अभी तक की मेरी, पुणे से गोवा पहुंचने में। तो जी गाड़ी के काम हो गए और ये है पाजी की कुड़ी, 1 साल की हो गई, मेहर कौर जोरा। हाँ जी। और जी पाजी की आज है मैरिज एनिवर्सरी भी, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू पाजी। आपको भी, परजा जी को भी, उनको बोल दिया ऑलरेडी, मैं तो इधर ही था कल से। तो अभी मैं निकलूंगा आज, काम वाम सब फिनिश हो गए अपने, पाजी के साथ डिनर करके फिर जाऊंगा। मैंने कहा रुको आज कल रात को जाओ, पर सुन नहीं रहे, इनका काम हो गया ना, अब नहीं रुकते ये। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो देखो वो कितने गौर से देख रही है। मैंने बोला था कि हम लोग हेलो डिनर करेंगे फिर जाएंगे, तो डिनर करके जा तो रहा। कल भी रुको हमारे साथ, टाइम स्पेंड करो फिर जाओ आप, पर मानते नहीं। कल नहीं, उधर के काम भी देखने हैं, वहाँ मोनिका परेशान हो रही है, भाभी जी भी अकेले हैं, इसीलिए क्या कहें अभी। तो वही हाई करो। हाय। अच्छा सत श्री अकाल कर दो सारे, सत श्री अकाल कर सारे, सत श्री अकाल ऊपर करके। हाँ सत श्री अकाल। बहुत चंगी कुड़ी है, बहुत हाँ बहुत प्यारी है, अपने डैडी पे गई है। हाँ चलो बस अब जाके गाड़ी लेके आनी है। हाँ गई तो डैडी पे, ये बहुत दुखी भी करती है। हाँ जय बाय, जय श्री, बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय। समझदार है। चलो जी ये लो जी, फ्लाइंग किस भी दे दिया। ये इसके बहुत ड्रामे रहते हैं भाई, इसने बहुत नई नई चीजें सिखा रही है। हाँ जी ये तो है। हाँ ये लो, जय श्री राम भी कैसे, जय श्री राम, हर हर महादेव, तो दोनों हाथ जय श्री राम करो बेबी, जय श्री राम। चलो ये करती रहेगी अभी ऐसी अगर बैठी रही तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी गर्मी बहुत है गोवा में, आज मैं पूरा दिन जो हूँ दुखी हो गया, दुखी मतलब गोवा बोल रहा हूँ, पुणे में गर्मी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर 41 के ऊपर था, और उसमें स्कूटी चलाने में ना बुरा हाल हो गया आज मेरा, सच में बुरी हालत हो गई। अभी गाड़ी में बैठा हूँ, अब एसी चला के निकलेंगे यहाँ से। सो गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल, एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो भाई अभी मैं निकल रहा हूँ आज पुणे से वापस, जो काम थे अपने हो गए, गाड़ी वाड़ी के काम थे, और जल्दी निकल रहा हूँ, टाइम है 7 बजे का, और ट्रैफिक अभी अच्छा वाला मिल रहा है शाम के टाइम में। तो चलो चलते हैं, पहले शुरू करते हैं अपना ब्लॉग और बाकी नाइट जर्नी आपको दिखाते हैं। थोड़ा रूट मेरा प्लान है कि भाई चेंज वेंज करके जाऊँगा इस बार थोड़ा सा। ये जी भाई साहब ट्रैफिक है पूरा सुबह शाम का, यहाँ तक ज़्यादा था, यहाँ से कम हो गया। ये पता नहीं बानेर कौन सी जगह थी, पाषाण से आगे आ गए, एक्चुअल में पता ही नहीं कौन सी जगह है। तो पूरा ना जाम के टाइम पे निकला हूँ मैं भी। In 200 meters, continue straight to stay on National Highway 48. अब ये बोले जाएगा क्योंकि तो यहाँ तक हाईवे तक मैंने नेविगेशन लगाया था, अब ये हर जगह मुझे बताएगा, इसलिए मुझे नेविगेशन हटाना पड़ेगा। पूरा रेड दिख रहा है अभी कुछ दूर तक, तो चलता हुआ ट्रैफिक है, हल्का हल्का चल रहा है, हल्का हल्का चल रहा है। तो जी फाइनली टनल के अंदर आ गए, मतलब पुणे से निकल गया हूँ अब 30-40 किलोमीटर। यहाँ पे साउंड आती है बहुत ज़्यादा टायरों की, तो पहला जो टनल है छोटा वाला ही वो क्रॉस हो गया है। अब इसके बाद टोल के बाद फिर एक ऊंचा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, सतारा से पहले वाला। तो जी अब पूरा हाईवे मिलेगा कुछ इसी तरह का। अब आगे जो है काम चल रहा है काफ़ी जगह, हर जगह फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो सतारा से आगे ज़्यादा दिक्कत होती है, सतारा से पीछे तक तो ठीक ही है, पर सतारा से आगे जो है पूरा टूटा फूटा सर्विस लेन में ही जाना पड़ेगा। तो जी ये अभी चढ़ रहे हैं पहाड़ पर, सतारा से पहले पड़ता है थोड़ा सा, ये आते हुए तो इसको टनल के थ्रू क्रॉस करते हैं, जाते हुए आपको ये चढ़ना ही होता है। तो आधार चढ़े जा रहे हैं, आज मैं चल भी थोड़ा तेज रहा हूँ, घर की तरफ जाने का है ना, इसलिए फास्ट जा रही है गाड़ी।
भारी चढ़ाई है बिल्कुल, और थोड़ी बहुत नहीं है, काफी है। यहाँ से नीचे का पूरा व्यू आता है, इधर का पूरा दिख रहा है पुणे। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. तो जी लगभग 2.25 घंटे हुए हैं और मैं पहुंच गया हूं सतारा। सतारा इधर से बहुत ही प्यारा लग रहा है, छोटी छोटी लाइट है और जितनी भी घर है वो सब छोटे छोटे दिख रहे हैं पहाड़ी पे। सतारा थोड़ी देर में क्रॉस होने वाला है, बाकी नाइट ड्राइव में मज़ा आ रहा है फुल, और आज थोड़ा फास्ट भी जा रहा हूँ मैं। आज 80 चलता हूँ यूजुअली, 80-90, आज 100 तक क्रॉस कर लेता हूँ कभी कभी जब मूड होता है तो। शीशा थोड़ा सा शायद गंदा है, धुलाई उलाई हुई है, पता नहीं उस वजह से हो रखा है क्या। तो जी सतारा क्रॉस होते ही अब ये पूरा रोड ऐसा मिलेगा। अब ये सर्विस लेन टाइप ही है पूरा बना हुआ एक तरह से, और ये साइडों में चल रहा है काम इधर पूरे हाईवे का। यही वाला टाइम लगता है ज़्यादा जो अब लगेगा, पर अच्छी चीज़ ये है ट्रैफिक थोड़ा कम है, जिस वजह से क्या है इतना दिक्कत नहीं हो रही, जाम इतना नहीं मिल रहा। सिटी के पास जाते हैं तो वहीं पे थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा होता है, बाकी नॉर्मल है। हाईवे पे 9:30 का टाइम हो गया, पूरे 2.5 घंटे हो गए चलते हुए, और 2.5 घंटे मैं चला हूँ लगभग 135 किलोमीटर। तो जी 10:40 हो रहे हैं और मैं रुका हूँ ये कहीं शायद कराड़ से काफ़ी आगे आ गया। गाड़ी वाड़ी चेक कर ली, खाना खाते हैं यार, यहाँ पे भूख लग रही है इधर की तरफ, बाकी फिर निकलेंगे आगे की तरफ। तो 10:40 हो रहे हैं अभी, टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ, सही टाइम पे आ गया, 3.5 घंटे हुए हैं। तो कराड़ में तो बहुत ही स्लो चलना पड़ रहा है वहाँ पे, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है और थोड़ा रोड बहुत टूटा हुआ है। चलो खाते हैं कुछ फिर चलेंगे आगे। तो जी होटल तो बंद ही हो गया मेरे खाना खाने खाने में ही, ये जल्दी बंद हो जाती है चीज़ें। चलते हैं अब आगे निकलते हैं भाई, ट्रैफिक तो है अब फिर भी कम मिल रहा है मुकाबले और टाइम के। तो जी खाना खाने में लग गए लगभग 1/2 घंटा पूरा, और अभी मैंने बाहर का मौसम देखा तो बड़ा अच्छा हो रखा है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, तो मैंने साइड का शीशा खोल दिया हल्का और एसी करा बंद, थोड़ी फ्रेश हवा खाते हैं, उससे क्या नींद नहीं आती ज़्यादा। एसी चलाते रहो हर टाइम तो नींद ज़्यादा आती है, और जब आप शीशा खोल के चलाओगे तो आपको नींद नहीं आएगी। खाना खाने के बाद नींद का जोर आता ही आता है कुछ भी हो। चलो जी, तो ये मैंने ले लिया है कोल्हापुर से गरगोटी रोड, अब इससे निकलेंगे। वो वाला रोड जो है थोड़ा ख़राब है, आगे जाके अजराक से और निपानी के बीच में भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए मैं सोचा ये अजरा से बिल्कुल आगे निकाल रहा था। मुझे रोड पतला है, बहुत छोटा है, एक बार मैं आया हुआ हूँ, देखते हैं। तब मैं दिन में आया था, अभी रात में जा रहा हूँ तो फ़र्क पड़ेगा, और थोड़ा डरावना है, बारिश हुई है इधर अच्छी वाली, और अभी भी क्या है बिजली चमक रही है ऊपर आसमान में, तो हो सकता है आगे बारिश भी मिले। चलो जी चलते हैं अब, ये नया रोड है इसको दिखाते हैं, मैं भी नहीं एक बार आया हूँ बस, आदमपुर होते हुए निकलता है, आदमपुर कुछ करके जगह पड़ती है एक, तो ये ऐसा कुछ रोड है। वैसे तो पूरा घाट का एरिया लग रहा है, पूरा कर्वी रोड है बहुत ज़्यादा, पर रोड अच्छा है, ब्रेकर नहीं मिल रहा है उधर की तरफ, ब्रेकर बहुत बना रखे हैं अभी, ट्रैफिक भी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, बादल गर रहे हैं तो बारिश भी होगी। इस तरह से पूरा कर्व है इस रोड पे।
as the chemicals they take us higher. The night's young, it is just. आदमपुर पहुंच गए, आदमापुर. और यहाँ पे गाड़ी चेक हुई है पूरी. अब चल रहे हैं. Continue straight past HDFC Bank onto Gargoti Vidri Road, Kalamba, Gargoti Road, Kolhapur, Gargoti Road, Kolhapur Radhanagari Road. Continue for 11 kilometers. कभी कभी बहुत बुरा फंसाता है. अभी कंगोटी क्या जगह थी वो भूल गया नाम. और आ गया, काफी दूर है यहाँ से. पर रोड अच्छा है, ये बहुत अच्छा रोड है. बाकी एक बार आगे जाके तो पता चलेगा. अभी फुल कंप्लीट कर लें रास्ता, फिर बताएंगे भाई इससे आना चाहिए या नहीं. जब तक अजरा वाला रोड नहीं बनता तो. बारिश हो रही है हल्की हल्की. अब रोड थोड़ा सा शायद नहीं आ गया ठीक. मुझे लगा कि खराब मिलेगा, वो पीछे ही था थोड़ा खराब बीच बीच में बस. तो जी अब ये गरगोटी से अजरा रोड है और अब रोड मिलेगा पतला. अब कोई हाईवे वाईवे नहीं है, पीछे वाला रोड जैसा अच्छा था. यह है करीब 25-26 किलोमीटर इसी तरह के रोड पे चलना है. मैं वैन के पीछे घूमने वाला था, बाद में ध्यान आया नहीं वो तो कोई लोकल का होगा. मुझे जाना है लंबा. ये गांव के एरिया से निकलेगा अभी ये रोड, और पतला भी मिलेगा. इधर के जितने गांव हैं, काफ़ी गांव पड़ते हैं इस रोड पे. पहले से चौड़ा हो गया, मैं आया था 2021 में तो तब से चौड़ा हो गया. थोड़ा घाट एरिया भी पड़ेगा बीच में. तो आज ना इधर लगा है आंधी तखड़ी आई है, क्योंकि बहुत टहनियाँ टूटी हुई पड़ी हैं रोड के ऊपर. बस कोई ऐसे उस पर पेड़ ना मिल जाए पड़ा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी. टहनी होनी होगी, टेंशन नहीं है. ये देखो बहुत पत्ते, छोटी छोटी टहनियाँ भी आई हुई है पेड़ों के से. तो मतलब तकड़ी आंधी आई है इधर हवा के साथ. ये देखो सब रोड पे मिलेगी आपको पड़ी हुई. और बारिश भी मुझे लग रहा है अच्छी हुई है इधर. ऐसे छोटे रोड पे बस यही हो जाता है, कई बार पेड़ वो टूट के गिरने का डर रहता है. पूरे रोड पे पत्ते ही पत्ते दिख रहे हैं. थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ पे गांव आते रहते हैं वैसे. अभी तो और भी पतला रोड हो गया भाई, सब शुरू फिर से गांव आ गया कोई. ये है पुलिया, उसका कुछ चल रहा होगा काम यहाँ पे. बादल देखो चंदा हल्का सा दिख रहा है बस, वरना तखड़े वाले हो रखे हैं ऊपर. खतरनाक बादल लग रहे हैं. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. भाई भूल के ऐसी गलती नहीं करूँगा. ये पीछे जो रोड मैं क्रॉस करके आया हूँ ना, वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं करी मैंने. ये तो बहुत सही है, हवा सेंट हो गई मेरी. और अभी कोई गांव नहीं दिख रहा दूर दूर तक. पूरा हॉन्टेड रोड लग रहा है. रात में ऊपर से बादल गरज रहे हैं और बारिश से तो रोड दिख ही नहीं रहा, जो पत्ते पड़े हुए हैं उनसे. बस 15 किलोमीटर और बचा है जरा. पूरे रोड पर एक गाड़ी मिली है अभी, दिखी है. तो
वरना कुछ नहीं था। तो अभी मुझे ये तसल्ली हो गई कि आगे कोई पेड़ उड़ ऐसा कुछ गिरा हुआ नहीं है भाई, दिक्कत नहीं होगी। वरना कोई गाड़ी ही नहीं थी, तो वो भी MH-47 को ही मुझे लगता है नेविगेशन में चले गए फंस के। घाट एरिया पड़ा पीछे, वहां पे तो मेरी हवाई संट हो गई, बोलने का भी मन नहीं कर रहा, बस वाहेगुरु जी जल्दी पहुंच जाऊं अजरा, ये निकल रही थी दिल में से आवाजें। तो जी ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका, 3 किलोमीटर बचा है, और बहुत दूर के बाद ना इधर आके गाड़ियां दिखी हैं मुझे, कुछ नहीं तो गाड़ी नहीं दिख रही थी। बाहर के नंबर की गाड़ी है MH-47, वो नेविगेशन से जा रहे हैं। रात के मतलब का रोड नहीं है भाई ये, दिन में गया था 2 साल पहले, तब अलग था, अजरा की तरफ से गया था। अब तो ये भाई रात में ज़्यादा डरावना लगता है बहुत। एक तो जगह तो ऐसा था मुझे बोलने का भी मन नहीं कर रहा था, बस मन मन में ही सोच रहा था निकल जाऊं, बस क्रॉस हो जाए आज। लो जी फाइनली हाईवे आ गया जी। ओके थैंक यू। कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 548H फॉर 15 किलोमीटर्स। अजरा रह गया पीछे, सब पीछे स्किप हो गया इस रोड से, बस ये फायदा हुआ है, बाकी डर तो खूब लगा। लो जी पहुंच गए अम्बोली, 2:20, यहाँ रुकेगी गाड़ी अपनी, चेक पोस्ट है वैसे पर रोकी नहीं आज। अम्बोली क्रॉस, अब घाट पड़ेगा 15 किलोमीटर लगभग। तो जी राइट 3:15 बज रहे हैं और मैं एंटर कर गया हूँ गोवा के अंदर, एकदम बॉर्डर अभी बस क्रॉस किया है महाराष्ट्र वाला, और नींद बिल्कुल नहीं आ रही। जब से उस रास्ते से निकला हूँ ना, एक सेकेंड की भी ये नहीं है कि भाई नींद आई हो। यूजुअली 2:30 बजे मुझे नींद आने लगती थी चलाने के बाद, लेकिन आज एक सेकेंड के लिए नींद नहीं आई भाई सच में। उसका खौफ अभी तक है मेरे अंदर है। तो जी टाइम हो रहा है 4:30 का, और मैं खड़ा हूँ अभी कानकोण से 30 किलोमीटर पहले, मतलब अगोंडा से 30 किलोमीटर पहले, 30 भी नहीं है 25, और मान के चलो आधा पौन घंटा लग जाएगा यहाँ से। डीजल डलवाता हूँ थोड़ा, इसमें डीजल कम लग रहा था मुझे, फिर आगे कोई पंप नहीं मिल रहा था, तो अब पहुँच के सीधा सुबह आराम से बात करेंगे, पहुँच जाएंगे पौन घंटा लग जाए ज़्यादा मैक्सिमम, मतलब 5:30 तक 5:30 तक घर होंगे, तो 10 घंटे लगभग लगे बस। डाल दो हाँ खोलो। तो जी गाड़ी की कंडीशन हो गई कुछ ऐसी, क्योंकि पूरे रास्ते मिली थी मुझे बारिश है, बारिश की वजह से कुछ ऐसा हाल हुआ है। तो जी पुणे की गर्मी से निकला, तो यहाँ पे आके गोवा की गर्मी ने पकड़ लिया, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है आज, और बुरा हाल हो रखा है, कल भी ऐसा ही हो रखा था। और जी पहुंच गया था, पूरे 10 घंटे लगे, सबसे फास्टेस्ट जर्नी है ये अभी तक की मेरी पुणे से गोवा पहुंचने में, मतलब 12-14 घंटे लेता था मैं नहीं तो आराम से, लेकिन इस बार डर की चीज़ ऐसी होती है भाई, नींद ही नहीं आई उसके बाद में मेरी, डर के आगे जीत है। हाँ तो जी पहुंच गए, अब अपने लग गए काम उम में, एंड मोनिका ने 2 दिन बहुत मिस किया मुझे बोल रही थी, तो कोई नहीं चलो अब आ गया जल्दी, इसीलिए भागा हूँ मैं, इसीलिए भागा हूँ मैं जल्दी। तो जी चलो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वाला जो रास्ता है ना, इस रास्ते से दिन में आओ, रात में मत आना कभी भी भाई, नहीं तो मेरी तरह आप भी डर जाओगे। दिन में भी बहुत पतला है, बड़ी नहीं आएगी, पर फिर भी चलो निकल जाते हैं,
पर दिन के लिए अच्छा है भाई, रात के लिए अच्छा नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो चलो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।